नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका वेल्थी माइंडसेट के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। सभी का धन्यवाद, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद कि आप सभी की वजह से चैनल ग्रो हो रहा है। 40,000 परिवार को भी हमने क्रॉस कर दिया और ये बहुत जल्दी 50,000 तक पहुंचने वाला है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे को कैसे हम अट्रैक्ट करें, और ऐसे चार बटन के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मैं चार बटन के बारे में बताऊंगा मित्रों। ये चारों बटन को दबा के, ये चारों बटन को प्रेस करके आप पैसे के फार्मूले का डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए हमें मेहनत तो करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत को कोई ऑप्शन नहीं है साहब, मेहनत को कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क कीजिएगा। मेहनत के साथ आपको अपने दिमाग का, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अपने माइंड का भी यूज़ करना है। मेहनत के साथ अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है मित्रों। तो आज ऐसे चार कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बटन है मित्रों, ऐसे कौन से ऐसे चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से बहुत सारे पैसे कमा कर देंगे। बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। ऑलरेडी साहब आपके पास पैसे हैं, वो लॉकर आ चुका है आपके पास, लेकिन आपको उसका चाबी नहीं पता है। उसको ओपन कैसा करना चाहिए? कहीं चाबी खो गया है, कहीं वो चाबी खो चुका है, कहीं उसका पासवर्ड गुम हो चुका है। बस उस पासवर्ड को पता लगाना है, और आज वही चार बटन मैं आपको बताने वाला हूँ। एटीएम कार्ड होता है ना मित्रों, कोई एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड में बहुत सारे पैसे होते हैं। कोई डेबिट कार्ड होता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें 50,000 का या 1,00,000 का, 1.5 लाख का लिमिट होता है। लेकिन जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता है, जब तक आपके पास ओटीपी नहीं है, तब तक वो कुछ काम का नहीं है। एटीएम में पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास वो कार्ड भी है और उसमें पैसे भी है, लेकिन अब पता ही नहीं कैसे उसको बाहर निकाले। तो चलिए मित्रों, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। ऐसे चार महत्वपूर्ण फार्मूले, ऐसे चार महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपको अमीर, अमीर और अमीर बना देगा। या आप ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं मित्रों, जो आप हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आज का एपिसोड आपको मदद करेगा उसे पाने में। फार्मूला बहुत सिंपल है। आपने कई चीज़ें अब तक हासिल की है, और कहीं ना कहीं आपने इसी फार्मूला का यूज़ किया है। आपने अभी तक जो भी चीज़ें हासिल की अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मित्रों, इसी फार्मूले को आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपने फॉलो किया है। सच कह रहा हूँ मित्रों, आपने इसी को फॉलो किया, लेकिन आपको पता नहीं कि मैंने इसको फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया। तो इसको कैसे पता चलेगा, और ऐसे कौन से वो चार बटन है मित्रों? तो चलिए, ये चार बटन को समझाने के लिए मुझे लगेगा मार्कर और उसी के साथ पेपर, और जिसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फीलिंग। सबसे पहले आता है मित्रों फीलिंग। आप ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हो ना, पहले उसको फीलिंग में लेकर आइए, फीलिंग में, और ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ आ चुकी है। आप अगर 10,00,000 के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग करनी है कि आपके पास हो। तो आपका जो फीलिंग है ना मित्रों, ये जो फीलिंग शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, आज से ही उसको फीलिंग के अंदर लेके आइए कि महसूस कीजिएगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आते तो कैसा लगता है? आपके अकाउंट में 10,00,000 रुपये आएंगे तो कैसे महसूस होगा? वो मैसेज जो आपके पास आएंगे कि योर 10,00,000 रुपीज़ क्रेडिटेड इन योर बैंक, इन योर अकाउंट, कैसा लगेगा? वो फीलिंग के अंदर लाना जरूरी है, उस फीलिंग के अंदर आना जरूरी है, वो तरंगे आना जरूरी है। क्योंकि यूनिवर्सल को आपकी जो बोलचाल वाली भाषा समझ में नहीं आती, उसको फीलिंग समझ में आती है, उसको वाइब्रेशन समझ में आती है। तो वो फीलिंग में आना जरूरी है मित्रों। अपने आप को उस फीलिंग के अंदर लेकर आइए। जब तक आप अपनी फीलिंग के अंदर वो बात नहीं लाएंगे, मैनिफेस्टो होना बहुत इम्पॉसिबल है। तो पहली सीढ़ी जो है अमीर बनने की, या आज पैसे को मैनिफेस्टो करने की जो पहली सीढ़ी मित्रों आती है, वो है फीलिंग। जब आप वो फीलिंग में लेकर आती, जब आपकी बात फीलिंग में आ जाती है, तो देखिए क्या महसूस जो कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। देखिए ना, अगर आपके पास यश 1 करोड़ रुपये आएगा तो कैसा सोचेंगे आप? 1 करोड़ रुपया आएगा तो कैसा सोचेंगे बेटा? बहुत सारा पैसा अगर आपके पास आया है तो कैसा सोचेंगे आप लोग? खुश होंगे। तो आज से खुश होना शुरू कर दो ना साहब, किसने रोका है? पुअर पीपल कैन बी हैप्पी, बट हैप्पी पीपल कैन नॉट बी पुअर। खुश रहना शुरू कीजिएगा कि पैसे आ चुके हैं, नौकरी नहीं मिली है, लेकिन अपने आप को ऐसा महसूस करो कि नौकरी मिल गई है। और नौकरी मिलने के बाद क्या होगा बताओ? क्या होगा निशा, नौकरी मिलने के बाद कैसा लगेगा किसी को? अच्छा लगेगा। तो अभी से अच्छा फीलिंग शुरू कर दो ना, फील गुड शुरू कर दीजिए ना। किसका राह देख रहे हैं आप? आप अगर पास हो जाएगा फर्स्ट क्लास से, कैसा लगेगा? फर्स्ट क्लास से पास होंगे कैसा? अच्छा लगेगा। तो अभी से अच्छा फीलिंग शुरू करो, आप अपने अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जितना पैसा चाहते हैं मित्रों, उसके लिए पहली सीढ़ी आप खुश रहना शुरू करो। और ये झूठ मूठ का फीलिंग नहीं आना चाहिए, सच्ची की फीलिंग आनी चाहिए। सच में खुश होना चाहिए, सच में अच्छा लगना चाहिए, सच में वो अपने अंदर वो बातें आनी चाहिए। और देखिए मित्रों, आप जो सोचते हैं, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। लेकिन वो बनने के लिए उसके पास क्या आना चाहिए? फीलिंग आनी चाहिए। शाहरुख खान की फिल्म थी ओम शांति ओम, उसमें वो शिद्दत से उसको चाह रहा था, उसको जो मेडल चाहिए था, मोमेंटो चाहिए था, अवार्ड चाहिए था, वो शिद्दत से चाह रहा था। और वो शिद्दत से चाहने के लिए पूरी कायनात उसके साथ जुड़ी हुई थी, पूरी कायनात कनेक्टेड थी, आज भी कनेक्टेड हम देखने वाले। तो सबसे पहले नंबर पे आता फीलिंग। आपको फीलिंग में आना जरूरी है मित्रों। अगर आप फीलिंग में नहीं आओगे
तो काम नहीं करेगा। आपका खुश रहना जरूरी है। पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका खुश रहना। आज का अगर जरूरी काम काम कुछ लिखा अगर आपने, तो आपका खुश रहना जरूरी है। ये सारी किताबें पढ़ने का एक चीज समझ में आए मित्रों, आपका खुश रहना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आपका ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए। ये 10 नंबर का कोई टॉप 10 वाला चीज़ नहीं है, ये तो प्रायोरिटी वाला चीज़ है। आपको खुश रहना ही है, खुश रहिए साहब, खुशी लेकर आइए। वो तरंगे अपने अंदर से उठनी चाहिए और ये 24/7 चलना चाहिए। ये कोई एक दो घंटे की बात नहीं है, या भूल जाएंगे तो फिर से आ जाइए। 24/7 ये फीलिंग आपके पास रहनी चाहिए, अमीर वाली फीलिंग 24/7 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फीलिंग में आना चाहिए 24/7। यस, पहले अपने को किस में आना है, फीलिंग। हाँ, 24/7 यानी पूरे का पूरा 7 दिन आप खुश रहना चाहिए। कहीं पर भी एक दुख का भी कांटा आपके पास आना चाहिए, होने दीजिए ना, तकलीफें तो आएगी जिंदगी है, तो परेशानियां होगी जिंदगी है, तो हाँ परेशानियां होगी साहब, जिंदगी है, परेशानी होने वाली है। लेकिन थोड़ी देर के लिए नाराज होकर फिर से काम पे लग जाने का। एक माचिस है, कितने का आता है माचिस यश? 1 रुपया। कितने का आता है? देखो बच्चों को भी पता है माचिस 1 रुपये का आता है, लेकिन एक आदमी जाता है माचिस 1000 रुपये का लाएगा, क्या बोलेंगे उसको आप? हाँ यश, एक आदमी ने माचिस 1000 रुपये का लाया, क्या बोलेंगे उसको? पागल है। यस, हम भी तो यही कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख होता है हम जिंदगी भर रोते बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया जिंदगी भर रोते बैठते हैं, पूरा साल खराब कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा तकलीफ हो गया, अरे साहब हो ना, नाराज हो ना, दुख हो ना, कितने देर के लिए? माचिस का डब्बी कितने का आता है? 1 रुपये। 1 रुपये ही तक खर्च करो ना, 1000 रुपया खर्च करने किसने बोला आपको? 1000 रुपया खर्च करना हो गया, थोड़ा सा रिजल्ट खराब हो गया, बस थोड़ा सा रो लिया धो लिया नहाना धोना हो गया खत्म, फिर से काम पे लग जाइए साहब। जैसे वो एक आता ना वो पुतला आता मालूम है यश, उसको ऐसा मारते तो क्या होता है, वो जंपिंग आता है ना जंपिंग, वो उसको ऐसा मारेंगे तो क्या होता है, वो नीचे गिर के वापस आ जाता है। बस जब एक पुतला ऐसा कर सकता है तो आप तो इंसान है, किसने रोका है आपको? जब वो जंपिंग जो बैग है उसको हम मारते हैं, मारने के बाद वो वापिस आ जाता है, जितना उसको मारते हैं वापिस आ जाता है, आता है ना बेटा, उसको मारेंगे वापिस सीधा हो जाता है। उसको पता है हम भूल गए साहब। आज के बाद प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए खुश रहना। पुअर पीपल कैन बी हैप्पी बट हैप्पी पीपल कैन नॉट बी पुअर। अपने अंदर वो फीलिंग को लेकर आइएगा। करोड़ रुपया चाहते हैं ना, करोड़ वाली फीलिंग लेकर आइएगा साहब। लाख रुपया चाहते हैं, लाख वाली फीलिंग लेकर आइएगा। 1000 रुपया चाहते हैं, 1000 वाली फीलिंग लाइएगा। यूनिवर्सल जवाब देती है, यूनिवर्सल सिर्फ लौटाती है साहब, यूनिवर्सल लौटाती है। ये तारामंडल है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्स है, ये क्या करती है दिशा, ये क्या करती है, ये रिटर्न करती है। आप जो कर रहे हैं ये रिटर्न करती है। क्लियर हो गया? सबसे पहला नियम है, अलाइनमेंट होने का पहला नियम है क्या है, फीलिंग। 24/7 फीलिंग में आइए। जो आप चाहते हैं ना उसको लिख कर रखिए, सामने लगाना चाहिए। अगर आप 10th में पढ़ते हो परसेंटेज लिख के रखिएगा। बिजनेस से ना कितना करोड़ रुपया चाहते हैं एक साल में लिखिएगा। नौकरी करते हो कितना प्रमोशन चाहिए लिखिएगा। स्टूडेंट हो क्या चाहिए आप लिखिएगा। जो भी है लिख कर रखिएगा। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर। पहले फीलिंग में आइएगा। फीलिंग में आने के बाद नेक्स्ट आता है फीलिंग। थॉट्स, फीलिंग के बाद आता है मित्रों, सॉरी थॉट्स, विचार। पहले महसूस कीजिएगा, महसूस करने के बाद विचारों में लाइएगा। थॉट्स में आना चाहिए। आपके थॉट्स में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। आपके थॉट्स में वही चीज़ जो आपको चाहिए उस वही होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए वो बोलिए। आपको क्या चाहिए साहब वही बोलिए। पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपके विचारों में आना चाहिए। पहले विचारों से अमीर बनिए साहब, विचारों में पैसे को लेकर आइए। हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहले उसके दिमाग में होता है, बाद में उसके वास्तव में होता है, बाद में उसके सामने होता है। तो हर चीज़ का निर्माण सृष्टि, हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहले दिमाग में फिर बाद में सृष्टि में, पहले दिमाग में बाद में सृष्टि में। हाँ सृष्टि में यानी सामने। पहले दिमाग में तो आना चाहिए, थॉट्स में तो आना चाहिए। थॉट्स में नहीं आ रहा है साहब, थॉट्स में जब तक नहीं आएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। थॉट्स में आना चाहिए। आप जो चाहते हैं ना जिंदगी में, जो हासिल करना चाहते हो पहले आपके थॉट्स में आना चाहिए। और अगर थॉट्स में नहीं आएगा, फीलिंग में आ रहा है, थॉट्स में नहीं आ रहा, नहीं पूरा होगा साहब। लेकर आइए, घसीट का लेकर आइएगा और लिख के रखिएगा आप क्या चाहते हैं, कितना बिजनेस टर्नओवर करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे 10th में 12th में बोर्ड का एग्जाम में परीक्षा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या गोल हासिल करना चाहते हैं। हमेशा 24/7 ये भी क्या होना चाहिए, 24/7। यस, कितने बार सोचने का रोज? 24/7 आना चाहिए साहब। अब आ गया आपका फीलिंग, उसके बाद आ गया थॉट्स, फिर उसके बाद आ गया बिलीफ।
बिलीफ, बिलीफ सिस्टम क्या है साहब आपका? विश्वास, विश्वास, विश्वास भी होना चाहिए साहब। 5 करोड़ मेरे पास आ रहे हैं पूरी दुनिया से, अलग अलग रास्ते से 5 करोड़ मेरे पास आ रहे हैं। फीलिंग, वो फीलिंग में आइए, 5 करोड़ वाली फीलिंग में आइए। 5 करोड़ का विचार आना चाहिए और 5 करोड़ का विश्वास होना चाहिए। कई बार चीज़ें आते आते रुक जाती है सृष्टि, कई बार सृष्टि से पैसे आते 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 रुक जाती है, क्योंकि हमको क्या होता है, वो साहब ऐसा कभी नहीं होएगा, अरे ऐसा कभी नहीं होएगा, हमारे इधर ऐसा किसी का हुआ नहीं, हमारे गुप्ता लोग में ऐसा हुआ नहीं है हमेशा, वो हमारे ना पार्टी लोग में हुआ नहीं है, हमारे मोरे लोग में ऐसा हुआ नहीं बाबा। अच्छा, किसने बोला आपको, किसने बोला? विश्वास कीजिएगा, जो आप चाहते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, उसको विश्वास में लेकर आइए, उसको विश्वास में लेकर आइए और देखिए क्या होता है। तो हम जब अलाइन कर रहे हैं, हम 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, और ये 4th नंबर जो है, फीलिंग हमने कर दिया, फीलिंग के अंदर बातें आ गई। 5 करोड़ कमाना है, फीलिंग के अंदर 5 करोड़ लेकर आइए, विचार में 5 करोड़ लेकर आइएगा, विश्वास में 5 करोड़ लेकर आइएगा। अब नेक्स्ट जो आता है एक्शन, नेक्स्ट क्या है? एक्शन, एक्शन के अंदर 5 करोड़ लेकर आइएगा। आप 5 करोड़ का काम करना शुरू कर दीजिएगा साहब, सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ अकेले सोचने से नहीं होगा साहब, अकेले सोचने से नहीं होगा, अब सोचने के साथ विश्वास, विचार और एक्शन, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं यूनिवर्सल में जा रही है, जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं साहब, ये पूरा अलाइन जब होता है तब वाइब्रेशन कंट्रोल कॉन्क्रीट हो जाता है, कॉन्क्रीट होना चाहिए ना इंसान, जो भाव विचार वाणी क्रिया, क्या बोलते हैं, बोलो भाव, बोलो भाव विचार, बोलो बेटा भाव, भाव विचार वाणी क्रिया, ये जब अलाइन हो जाते हैं ना, तो दुनिया की हर चीज़ को आप हासिल करना शुरू करते चाहते हैं, यानी एक चीज़ आपने हासिल किया उसको पकड़ के दूसरा चीज़ हासिल किया, फिर तीसरा चीज़ हासिल करते हैं, फिर चौथा चीज़ हासिल करते हैं, आप लगातार हासिल करते रहते हैं, आप हासिल करने वाले इंसान बन जाते हैं, आप ऐसे अचीवर्स बन जाते हैं, आपके बस बाएं हाथ का काम होता है, बोलो क्या हासिल करना चाहिए, मैनिफोल्ड ऑर्डर दिया आपने, यूनिवर्सल को ऑर्डर दिया, यूनिवर्सल आपके सामने परोसेगा। राम पर भरोसा, अपने आप भरोसा, राम पर भरोसा, अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा, भरोसा रखिएगा। तो 4 चीज़ आज करना शुरू कर दीजिएगा। लोगों के सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि इसमें से एक चीज़ मिसिंग रहती है, फीलिंग में लेकर आए। रोज़ सवेरे उठ के फीलिंग होनी चाहिए, अमीरों वाली फीलिंग, उसके बाद अमीरों वाले विचार, अमीरों वाले बिलीफ सिस्टम और अमीरों वाले एक्शन लेना शुरू कर दीजिएगा। देखिए ये 4 चीज़ें जब मिलती है ना, जब 4 चीज़ें एक हो जाती है, भाव विचार वाणी क्रिया, फिर देखिए सपने कैसे पूरे होते, फिर देखिए आपके विचार कैसे पूरे होते, फिर देखिए आपके आप जो सोचते हैं कैसे पूरे होते, फिर देखिए आपका विजन कैसे पूरा होता, फिर देखिए आपका ड्रीम कैसे पूरा होता, फिर देखिए जो आपने टू डू लिस्ट बनाया कैसे पूरा होता, फिर देखिए कि आपका इस साल का पूरा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होता है। ये अलाइन कीजिए साहब, ये अलाइन कीजिएगा, सब खेल अलाइन का, जैसे होता ना आपके पास कोई चाबी है, नंबर वाला चाबी है, जैसे ही वो 4 नंबर जुड़ जाते हैं फटाक से ताला खुल जाता है, खुलता है ना, वो 4 नंबर डिजिट का देखा आपने, वो ताला देखा है, वो नंबर वाला ताला, वो चारों जब खुल जाता है फटाक से खुल जाता है, जो भी 1234 या 000 जो भी नंबर है। मित्रों आज की जो बात है ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सपने ऐसे ही पूरे होते हैं जब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, जब आपके दिमाग में फीलिंग आते हैं, जब आपके दिमाग में बिलीफ सिस्टम आता है और जब आप एक्शन लेने को तैयार होते हैं, आपके सपने पूरे हो जाते हैं। और हो सकते हैं साहब आपके नहीं, 800 करोड़ के सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये 4 में से एक चीज़ मिस कर देते हैं। एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा सर, 1 महीने के पर मेरे पर विश्वास कीजिएगा, 1 महीना सोचिए कि मुझे इस बार 10 सिर्फ छोटा सा एक कोई अमाउंट ले लीजिएगा कि मुझे कम से कम 50,000 रुपये कमाना है मुझे। और देखिए जब आपके भाव विचार वाणी क्रिया एक हो जाते हैं, जब आपके भाव विचार वाणी क्रिया एक हो जाते हैं, जब आपके फीलिंग थॉट्स बिलीफ और एक्शन जब एक हो जाते हैं, तो आप यू किसी चीज़ को हासिल करने लगते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर तो मैं विदा हो रहा हूँ मित्रों, लेकिन आज इस चीज़ को प्रैक्टिकल कीजिएगा, मेरे पर सिर्फ 1 महीना विश्वास कीजिएगा। वेल्थी माइंडसेट सचमुच में आपको अमीर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मित्रों, या जो भी आपकी फीलिंग आ रही है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा मित्रों। हम चाहते हैं कि आपके फीलिंग्स आप जरूर लिखिएगा, जो भी विचार है, अच्छे विचार है, जैसे भी विचार है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ये हमें मोटिवेट करते हैं, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।